हेलो हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। इसी के साथ एक और रीडिंग, आज की फिर कलेक्टिव जनरल रीडिंग, करंट एनर्जी ऑफ योर लव लाइफ। करंट एनर्जी ऑफ योर लव लाइफ, क्या क्या चल रहा है आपकी इस प्रेम कहानी में? चलिए, लव गुरु जी आ गए और आपको बताने लगे। ठीक है जी, चलिए देखो, यहाँ पे आया है 10 ऑफ कप्स, जो हमें ये बताता है कि जो आपका ये रिश्ता है, ठीक है, वो या तो कंप्लीशन की तरफ जा रहा है या कंप्लीट हो चुका है। मतलब कहने का मतलब, या तो आप मूव ऑन हो चुके हैं इस रिश्ते से, क्योंकि ये इंसान मैरिड है, इसकी फैमिली है जिससे भी आप डील कर रहे थे, या आप मैरिड हैं, आपकी फैमिली है, तो अब आप जो है कहते ना, लौट के बुद्धू घर को आए, तो या तो ये सिचुएशन है। अब आप कहेंगे कि मैडम कैसी बातें कर रही है। देखो, जो मुझे, जो मैं कहती हूँ ना, जब मैं यहाँ बैठती हूँ और अपनी रीडिंग बनाती हूँ, जो मेरे मन में आता है, जो मेरी इंट्यूशन बोलती है, मैं वही बोलती हूँ। ठीक है जी, देखिए नेक्स्ट कार्ड मिला है हमें क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, द मून रिवर्स और 7 ऑफ पेंटिकल राइट अपराइट मिला है। ओके जी, देखो, या तो आप किसी ऐसे रिश्ते में थे जहाँ ये इंसान थर्ड पार्टी को छोड़ने को तैयार नहीं था। ठीक है, चलो, छोड़ने को तैयार कहने का मतलब क्या है कि थर्ड पार्टी जो है यहाँ पे प्रोमिनेंट थी, ये इंसान अपने गुरूर में था, जो भी आपका पार्टनर है या शी है या ही है, जो भी है, ये एक हो सकता है, ये इंसान बहुत खूबसूरत हो, नामी हो, ऐसी पर्सनालिटी हो जिसको लोग जानते हैं। ठीक है, लोग जानते हैं, इसका एक रुतबा है, एक अपनी पर्सनालिटी है, एक लोगों में इज्जत है, इस इंसान को इस चीज़ का बड़ा गुमान भी है जिससे आप डील कर रहे थे अपनी लव लाइफ में। ठीक है जी, मैंने कहा ना, या तो कंप्लीशन, या तो ये शादी तक पहुंचने वाला है आपका रिश्ता, अक्टूबर तक, अक्टूबर इज सिग्निफिकेंट। ठीक है, या फिर आप इस रिश्ते से मूव ऑन ही हो चुके हैं। दो तरह के सिनेरियो मुझे नज़र आए हैं। देखिए, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये होता बताता है हमें कि जो चीज़ हमारे पास नहीं है, हम उसको ज़्यादा सोचते हैं, और जो चीज़ हमारे पास है उसकी हम वैल्यू नहीं करते। ठीक है, लेकिन ये कार्ड रिवर्स आया तो बहुत अच्छी बात है, मतलब अब आपने चीज़ों की वैल्यू करनी शुरू कर दी है। अब आपके ऊपर आप एंजल्स, डिवाइन एंसेस्टर्स की पूरी पूरी कृपा है, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है, जो भी आप चाहे जाने अनजाने में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखो, जाने अनजाने के में मैनिफेस्ट करना क्या होता है, अब देखो, एक चीज़ को हम बोल रहे हैं कि नहीं हो जाएगा, नहीं ठीक है, नहीं मैं तो ये ज़रूर करूँगी, ये मैनिफेस्टेशन होगी ना। चाहे आप वो अपनी किसी नौकरी के लिए बात कर रहे हैं या अपनी लव लाइफ के लिए बात करें, मैं तो इसी से जल्दी करूँगी, ये भी एक मैनिफेस्टेशन होगी। ठीक है, लेकिन मान लो जैसे अब जानने में तो ये हो गया, अनजाने में मैनिफेस्ट कैसे करते हैं हम चीज़ों को, जैसे मान लो किसी, कोई एक चीज़ है, मतलब कोई आपकी विश है जो आप चाहते हैं पूरी हो जाए, मतलब वो आपके दिमाग से ना जाती ही नहीं है, निकलती ही नहीं है, चाहे वो कोई विश है, चाहे वो कोई इंसान है, जिसको आप ना चाहते हुए भी अपने दिमाग में 100 बारी दिन में रिपीट कर लेते हैं। जैसे मान लो किसी को अपना घर ही बनाना है, ठीक है, वो इसी उधेड़ बुन में है, सोच ही जाएगा मेरा एक घर बनेगा, ऐसा बनवाऊंगा, ऐसा बनवाऊंगा, ये वाले वो लगाऊंगा, तो ये मैनिफेस्टेशन है। ठीक है जी, तो ये होता है जाने और अनजाने में मैनिफेस्ट करना। तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो मैं देख रही हूँ पूरी हो रही है। आप जिस इंसान के साथ हैं प्यार में, वो इंसान और आप एक दूसरे को, मतलब आप एक दूसरे के जहन में हो, दिमाग में हो, और अब जो आपका पार्टनर है वो इस रिश्ते में कुछ का, तो मैंने बता दिया कि कुछ तो पूरी कंप्लीशन होगी कि मूव ऑन ही हो गए, और जो मूव ऑन नहीं हुए हैं जो इस रिश्ते में हैं, तो ये इंसान आपको मैनिफेस्ट, वैसे मैनिफेस्ट भी कर रहा है, और इस रिश्ते के लिए अब वो जो है कुछ एक्शन लेने को तैयार हो रहा है। क्या एक्शन, भगवान जी बताइए। पहले तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड क्या एक्शन। देखो, किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स, जबकि मैं ये कार्ड अपने आप आया है फूलों के, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स पहले, किंग आप डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं। भगवान जी हमें ये बताइए, 5 ऑफ सोर्ड क्यों आया है?
मुझे ऐसा लग रहा है अभी आप जो मूव ऑन हो गए हैं वो तो अलग सिनेरियो है, ठीक है, वो तो अब हो ही गया, ठीक है। जो लोग अभी इस रिश्ते में हैं, मुझे लग रहा है आपकी कोई लड़ाई हुई है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गई है या फिर बहुत कम बातचीत हो रही है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। लेकिन आप चिंता ना करें, एक महीने, एक दिन, एक हफ्ते के अंदर अंदर ये इंसान आपको फिर से जो है रीच करेगा। अच्छा, जो अब जैसे मैंने पहले दो सिनेरियो बताए थे, अब मैं ये देख रही हूँ कि जो इंसान जो है मूव ऑन हो गए थे इस रिश्ते से, तो उनके लिए एक न्यू बिगिनिंग, एक स्टेबिलिटी, एक शादी आती मैं देख रही हूँ। देखो फिर शादी 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 का ही मुँह से निकली, ये भी एक मैनिफेस्टेशन है। तो आप लोगों की शादी हो रही है अक्टूबर तक, जहाँ तक ये देखो लाइट, बेटा लाइट जला दे। अगर आप किसी रिश्ते से मूव ऑन हुए हैं तो वहाँ पे आपको एक न्यू बिगिनिंग मिल सकती है, मतलब कोई नया इंसान, कहीं नई अपॉर्चुनिटी, चाहे ये आपके लक को लेकर, चाहे ये आपके आपकी लाइफ में आ रही है, चाहे यहाँ पर तो हम लव लाइफ की बात कर रहे हैं ना, तो लव लाइफ को लेकर ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, कोई नया इंसान, कोई नई ऑफर। ओके, देखो यहाँ नाइन ऑफ कप्स जो है ना रिवर्स आया है और यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो जो हमें ये बताता है कि अगर आप इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं हुए हैं और ये इस इंसान की आपकी कोई थोड़ी बहुत खिटपिट या कुछ भी बात हुई है, तो ये इंसान जो है, जैसे होता है ना कि इंसान अपने आप को सोचता है कि मुझसे क्या गलती हुई है, मतलब इस इंसान को थोड़ा ऐसे लग रहा है कि मेरी इमेच्योरिटी के कारण जो है मेरा पार्टनर, जो मेरा विश कम ट्रू था या विश थी मेरी, वो मुझे नहीं मिला है, ठीक है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं और जो लोग मूव ऑन हो चुके हैं, अब जो लोग मूव ऑन नहीं हुए हैं उनके लिए बताइए भगवान जी, जो अभी रिश्ते में हैं, क्या जो है ये इंसान स्टेप, उनके लिए कार्ड पहले ही आ चुका है वैसे एस ऑफ पेंटिकल्स का, कि ये अगर यहाँ पे मुझे ये कोई न्यू इंसान की एंट्री होती नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पे थ्री ऑफ वॉन्ट्स आया है, थ्री ऑफ वॉन्ट्स का मतलब थर्ड पार्टी है, ठीक है। थर्ड पार्टी से भी ज़्यादा मुझे ये वेटिंग एनर्जी नज़र आ रही है, तो ये इंसान अभी आपको थोड़ा सा वेट और कराएगा। जो लोग रिश्ते में हैं, ये इंसान कुछ प्लान कर रहा है, किसी चीज़ का वेट कर रहा है। हो सकता है जैसे यहाँ पे वैसे पेंटिकल का कार्ड पहले आया था ना, सेवन ऑफ पेंटिकल का, हो सकता है इसके पास जो है कोई इस मतलब जैसे एक अपने आप को एस्टैब्लिश करने में लगा हुआ है ये इंसान। इसको लगता है कि मेरे पास जो है इतना नहीं है कि कल मैं इस इंसान को स्टेबिलिटी दूँ, शादी करूँ, मतलब एक तरह से मैं फैमिली को चला सकूँ, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। यहाँ पे जो है मैंने निकाला था ये वाला, इसको क्लैरिफाई करना है मुझे। फाइव ऑफ सॉर्ड क्यों आया मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी में? आपके पार्टनर, देखो चाहे ये नो कॉन्टैक्ट में है चाहे ये लेस कॉन्टैक्ट में है, ठीक है, अंदर ही अंदर इस चीज को, इसको ये एक जैसे होता है ना कि इसको पता है कि मैंने जितना मुझे एक इक्वल गिव एंड टेक देना चाहिए था इस रिश्ते में वो मैंने नहीं दिया है, तो ना चाहते हुए भी इस इंसान को इस रिश्ते को लेके इनसिक्योरिटी होती है, अगर आप रिश्ते में हो भी तब भी, ठीक है। क्या ये इंसान कोई एक्शन ले सकता है करंट एनर्जी में? देखिए बड़ा अच्छा कार्ड आया, टेन ऑफ शॉर्ट जो है रिवर्स आया, मतलब भगवान कह रहे हैं कि या तो इन दुखों का अंत ही होने वाला है, चाहे ये आपका फिजिकल इशू है, चाहे ये आपकी प्यार की है, आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको जो आपसे आपके साथ फेयर नहीं किया है, या फिर ये कार्ड ये भी बताता है कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है वो उनसे नो कॉन्टैक्ट बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो उनका नो कॉन्टैक्ट खत्म होने वाला है एक दिन, एक हफ्ते या एक महीने में, ठीक है जी। यहाँ पे टेन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड मुझे एक चीज़ और बता रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक न्यू बिगनिंग। हम बताओ टेन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड न्यू बिगनिंग क्यों हो रहा है? जैसा कि मैंने पहले रीडिंग के पहले ही जो मुझे एनर्जी मिली थी कि या तो आप मूव ऑन ही हो चुके हैं इतना दर्द बर्दाश्त करके, इतना दुख बर्दाश्त करके इस रिश्ते में, या फिर आप अगर आप इस रिश्ते में हैं
और अपने पार्टनर से किसी एक्शन की वेट कर रहे हैं, तो अभी हो सकता है ये इंसान जो है, मतलब कहने का मतलब इसकी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है, या तो इसका फिजिकल इशू चल रहा है कोई। भगवान जी, ये टेन ऑफ स्वॉर्ड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए क्यों आया है? ये टफ टाइम जो है कोई फेस कर रहा है, भगवान इसकी एंजल अवेकनिंग करा रहे हैं ताकि ये आपकी इंपॉर्टेंस को समझे, आपके रिश्ते को समझे, क्योंकि ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट हो सके। किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही अकड़ू हो, दोनों ही एक जैसे हो, दोनों ही सुंदर हो, दोनों ही अकड़ू हो, और यहाँ पर डेविल का कार्ड क्यों आ गया भगवान जी? ओहो, तुम्हारी कमी थी डेविल। भगवान जी, यहाँ डेविल का कार्ड क्यों आया? डेविल का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में? डेविल का कार्ड आया है, ओके। अच्छा जी, जैसा कि मैंने बोला कि जो लोग जो रिश्ते से मूव ऑन हो गए उनकी तो कहानी ही खत्म, लेकिन जो अभी भी रिश्ते में हैं और एक रिजल्ट का, एक एक्शन का वेट कर रहे हैं कि ये इंसान कब जो है अपनी फैमिली को, क्योंकि यहाँ फैमिली थर्ड पार्टी आया है, मून का कार्ड आया है, हो सकता है कोई मदर इशू है या फैमिली का इशू है, तो ये कब सॉर्ट आउट करेगा? आप एक वेटिंग जोन में हो, आप वेट कर रहे हो, लेकिन ये इंसान अपने गार्ड्स अप इसलिए करके बैठा है कि किसी ना किसी कोई स्पेल मैजिक या किसी तरह का ऑब्सेशन इसको आपसे दूर कर रहा है, ठीक है। कई बार ये होता है, ये डेविल का कार्ड ये भी बता रहा है कुछ लोगों के केस में कि क्या बता रहा है, सेवन ऑफ वॉन्ड्स क्लियर करने के लिए आया ना, डेविल को क्लियर करने के लिए, मतलब कहने का मतलब जो ये गार्ड अप कर रखे हैं ना, या जो एक डिले आ रखा है, या जो एक कोल्डनेस आ रखी है इस रिश्ते में, कुछ ना कुछ स्पेल मैजिक जरूर किया गया है। जैसे होता है ना कि एक इंसान को अपने वश में कर लिया गया है कि वो आपकी तरफ ना आ सके, आपकी तरफ कोई निर्णय ना ले सके, समझ गए? रिवर्स आया क्योंकि टू ऑफ वॉन्ड्स हमेशा एक जगलिंग में रहे, एक दो विचारों में रहे। देखिए, चैरियट का कार्ड अपराइट आया है, जो दिखाता है कि कुछ टाइम बाद आप इस रिश्ते में एक मूवमेंट आएगी, ये इंसान आपसे मिलेगा, और इसका नेक्स्ट एक्शन अगर मैं देखूं तो ये आपसे कुछ चीज़ों को क्लियर, बातों को करेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे मुझे एक एक ट्रैवल नज़र आ रहा है, ये ट्रैवल आप कहीं जा सकते हैं, ये जा सकता है, या ये ट्रैवल करके आपकी तरफ आ सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो, हैंग्ड मैन का कार्ड भी मिला है ना, मतलब इस इंसान ने अगर ये आपसे किसी तरह का नो कांटेक्ट में भी आया है, या एक तरह से लेस कांटेक्ट भी है, तो इसने काफ़ी काफ़ी कुछ सफ़र किया है। मतलब इस इंसान को लगता है कि चाहे चाहे किसी भी कारण से इसको अलग किया गया, चाहे वैसे अलग फैमिली को ध्यान में रख के थर्ड पार्टी के कारण, या फिर कुछ किए कराए के कारण, किसी तरह से भी जो भी ये अलग हुआ है, तो भगवान ने आपका साथ दिया है। क्योंकि यहाँ पहले मैजिशियन का कार्ड मिला था जिसके ऊपर इन्फिनिटी का साइन होता है, मतलब कहने का मतलब भगवान ने इसकी हैंगमैन का कार्ड लाके ये बताया है, इसको ऐसे जेस्चर शो कराए हैं कि ये फिर से जो है आपको, आपके साथ एक बात, न्यू बिगिनिंग, मतलब आपकी तरफ मूवमेंट जो है लेना चाहता है इस रिश्ते की तरफ। ओके व्यूअर्स, देखो नाइट ऑफ कप्स रिवर्स आया है, मतलब इसके दिल में एक ही चीज़ है कि इसको अब जो है आपको जो है अपनी दिल की भावनाएं, कितना ये आपसे प्यार करता है, नहीं करता है, क्या है इसके मन में, वो सब कुछ बताना है, ठीक है जी। देखिए फाइव ऑफ कप्स, किसी तरह की इसकी लाइफ में, मैंने बोला ना, क्योंकि हैंग्ड मैन का कार्ड आते ही कि ये बंदा या तो कोई कर्मा फेस किया है इसने, जैसे आपसे अलग होके कुछ ऐसा क्रूशियल टाइम देखा है जिससे इसको आपकी वैल्यू हुई है, और अब ये जो है इस एनर्जी से बाहर आना चाहता है, तभी आपसे मिलना चाहता है, ठीक है व्यूअर्स। तो ये थी आप लोगों की करंट एनर्जी ऑफ योर लव लाइफ, टेक केयर।